आदाब पलपल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। खबर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। AIUDF के सदर असम में बदरुद्दीन अजमल की पैठ अपने आप में देखने को मिलती है, क्योंकि बदरुद्दीन अजमल ने जिस तरह जमीनी स्तर पर उतर करके लोगों के लिए काम किया है और जनता से सीधा जुड़े हुए पाए जाते हैं। बदरुद्दीन अजमल ने एक ऐसा बयान दिया जिसे लेकर के कल बीजेपी, आरएसएस और मीडिया खेमे में पूरी तरीके से हलचल मच गई और आए दिन हिंदू मुसलमान की डिबेट करने वाली गोदी मीडिया इस बार क्या करती, क्योंकि बाबरी मस्जिद की 40वें दिन की दलील पर जो खेल इन लोगों ने खेला उसमें जी भर के हिंदू मुसलमान किया गया। तो बाबरी मस्जिद का केस खत्म हुआ तो कमलेश तिवारी की हत्या में भी हिंदू मुसलमान ढूंढ ही लाए और कट्टरपंथ इस्लाम और कट्टरपंथ सोच से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को जोड़ते हुए नजर आए। तो वहीं अब कोई नया बयान चाहिए था, कोई नया चेहरा चाहिए था जिसे लेकर के ये अपना हिंदू मुसलमान वाला खेल खेल सकते। तो पॉपुलेशन को लेकर के असम सरकार ने एक नया कानून लागू किया जिसमें कहा गया कि दो बच्चों से ज्यादा अगर होंगे तो उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। ये बात सर्बानंद सोनोवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा। जब इस पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए। असम की भाजपा सरकार ने राज्य में नया कानून लागू किया है। इस कानून के मुताबिक जिसके दो से अधिक बच्चे होंगे उसे सरकारी नौकरी नहीं मिले। इस कानून के विरोध में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख AIUDF के सांसद बदरुद्दीन अजमल ने एक बड़ा बयान दिया जिस पर सुर्खियां साफ तौर पर बटोरी जा रही हैं। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि मुस्लिम किसी की भी नहीं सुनेंगे और बच्चे पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस्लाम के मुताबिक जो भी इस दुनिया में आना चाहता है उन्हें आना चाहिए और उन्हें भी कोई रोक नहीं सकता। भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि सरकार कोई भी कानून बना ले मुस्लिम समाज पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बच्चे पैदा करने के लिए जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे। उनका कहना है कि भाजपा सरकार के राज्य में नया कानून ला रही है ताकि मुस्लिम सरकारी नौकरी से दूर रहें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुस्लिमों के पास नौकरी नहीं रहेगी तो उन्हें 5-6 बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि उनके पास आमदनी के अधिक हाथ हों। बदरुद्दीन अजमल ने राज्य के CM सर्बानंद सोनोवाल पर भी विवादास्पद टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के माता पिता के 8 बच्चे थे, अगर वे इतने बच्चे पैदा नहीं करते तो क्या सर्बानंद सोनोवाल आज मुख्यमंत्री बन पाते। उन्होंने कहा कि RSS प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि 10-10 बच्चे पैदा करें और दूसरी ओर सरकार कह रही है जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। अजमल ने कहा कि RSS और भाजपा पहले तय कर लें कि वे क्या चाहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अल्लाह जिसे भेजना चाहता है उसे कोई रोक नहीं सकता और ये नहीं कह सकते, और वैसे भी मुसलमानों को सरकारी नौकरियों से तो वंचित रखा ही जाता है तो मुसलमानों पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। वो जिस तरीके से काम करते आ रहे हैं उस तरह से वो काम करते रहें और अगर बच्चे होते हैं तो उन्हें बेहतर शिक्षा दीजिए और उनको पढ़ा लिखा करके अपने आप में काबिल बनाइए ताकि वो किसी की नौकरी के मोहताज ना रहें और खुद अपने आप में लोगों के लिए नौकरी पैदा कर सकें। ये बात असम के
मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने की, जो सांसद हैं AIUDF से, उन्होंने जब ये बयान दिया तो पूरे भारतीय जनता पार्टी और RSS खेमे में खलबली मच गई। और खलबली इसलिए भी मची क्योंकि लास्ट में जो उन्होंने तंज कसा कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं असम के सर्बानंद सोनोवाल, वो खुद 8 भाई बहन हैं। अगर 8 भाई बहन हैं तो आज हमारे पास सर्बानंद सोनोवाल कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 भाई बहन हैं जिसमें तीसरा नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। तो इस तरह से हमारे सामने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री होना ही नहीं चाहिए था। जो कानून लागू करने की बात कह रहे हैं, ये बात समझ में आती है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने RSS और मोदी को टारगेट किया, तो ये हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरीके से बिलबिला गई और बिलबिलाई ऐसे कि कटघरे में पूरे मुस्लिम समाज को ला करके खड़ा कर दिया और हेडलाइन चलाई गई, 2 बच्चों का फरमान नहीं मानेगा मुसलमान। आखिरकार कितने, जो 10 साल के अगर आंकड़ों को उठा करके देखा जाए तो कितने घरों में जा करके उन्होंने बात की है, क्योंकि जनरेशन बदल रही है, टाइम बदल रहा है और लोग इस चीज को समझ भी रहे हैं। पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में एक सियासत खेली, लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके ये बयान दिया कि जनसंख्या नियंत्रण पर हमें सोचना चाहिए, तो पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया इसे लेकर के एक सिनेरियो बनाने की कोशिश करने लगी, तमाम मुस्लिमों से इस पर बयान लिए जाने लगे और मुस्लिमों के बयान को तोड़ मरोड़ करके दुनिया के सामने पेश किया गया और पूरे कटघरे में ला करके मुस्लिम समुदाय को खड़ा कर दिया। ये चेहरा है हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया का, जो एक खास तबके के लिए लगातार जहर उगलती हुई नजर आ रही है। चेहरे बदलते जा रहे हैं, कभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी होते हैं तो कभी मौलाना शफीकुर रहमान बर्क साहब होते हैं, तो कभी आजम खान, तो कभी मौलाना बदरुद्दीन अजमल। चुन चुन करके टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम सांसदों को, मुस्लिम नेताओं को, जिस पर ये हिंदू मुसलमान की बात करके एक दुनिया में मैसेज दे सकें कि देखिए कि हम सबसे ज्यादा नफरत उगलने वाले और सबसे तेज आज तक बन चुके हैं। इस तरीके की जो हरकतें लगातार की जा रही हैं वो वाकई चिंताजनक बनी हुई हैं और इन हरकतों पर कब लगाम लगाई जाएगी इसके बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं है। तो मैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। मुल्क को आज़ाद हुए 70 साल गुजर चुके हैं, इस बीच हमने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। आज मुल्क के हालात तेजी से बदल रहे हैं, इन बदलते हुए हालात पर नजर रखने के लिए देखते रहिए सियासतनामा पल पल न्यूज पर। मैंने सुना आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सच है क्या? हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और साइड में जो घंटी दी गई है ना उसे भी झट से दबा दीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम आपकी आवाज को उठा रहे हैं और लगातार आपके मुद्दों पर उन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं जो सत्ता की गुलामी करने पर मजबूर है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दी गई डोरबेल को दबाएं।